अस्सलामुअलैकुम, ये जनाब बस टर्मिनल है BST कुआलालंपुर। यहाँ से आपको मलेशिया की हर तरफ की बसें, मलेशिया से बाहर सिंगापुर, थाईलैंड, क्योंकि ये दोनों इनके बॉर्डर लगते हैं, यहाँ से आपको मिल जाएंगी। ये टर्मिनल ऐसा लग रहा है माशाल्लाह जैसे जहाज़ का टर्मिनल होता है, ये इस तरह का टर्मिनल लग रहा है। हर गेट पे बस आ रही है, जिसने पिंटू गेट को कहते हैं, आपने अपना गेट चेक करना है कि किस गेट पे आपका बस जा रही है। अब हम जा रहे हैं यहाँ कुआलालंपुर से थाईलैंड की तरफ बाय रोड, तो हमने जाना है पिनांग। ठीक है, तो हमने पिनांग का टिकट लिया है। पिनांग के बाद आता है हट जाई, वो बॉर्डर है, तो हमने बाय रोड जाना है क्योंकि हम आए थे सिंगापुर से, सॉरी थाईलैंड से सिंगापुर बाय एयर, और अब वापसी में बाय रोड जा रहे हैं। सिंगापुर से आए मलेशिया, मलेशिया से थाईलैंड। इस तरह से आपको बहुत अच्छा सफ़र लगेगा, आपको अच्छा भी लगेगा, समझ भी आएगा। और आप अपने गेट पे जाएं, वो देखें डबल टेकर बस, हर गेट पे उसकी बस लगी हुई है। बहुत सुकून, बहुत सफाई, मेरे ख़्याल में ऐसा है जैसे जहाज़ से भी अच्छा। टाइम पे बसें आती हैं, ये सब प्राइवेट बसें हैं, यहाँ से पूरे मलेशिया की आपको बसें मिल जाएंगी। मलेशिया थोड़ा सा रफ़ है, आप ये नहीं समझें कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक है, लोग थोड़े से रफ़ हैं, मींस ट्रैफिक वाइज इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं है। अपना ख्याल रखें, अपने डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखें, ज़रा हर चीज़ थोड़ा सा मसले मसाइल भी रहते हैं, मैंने सुना है यहाँ पर लोगों से। तो मेरे ख़्याल में हमारी बस भी गेट नंबर 7 पे लगी हुई है, स्टार्ट नहीं हुई है शायद। सेवन सिक्स नाइन टेन, तो एनीवे इंशाल्लाह गेट पे चल के फिर बस में बैठेंगे पिनांग के लिए, कुआलालंपुर से पिनांग के लिए। और 4 घंटे का सफ़र है सिंगापुर से कुआलालंपुर, जौहर बाहु से कुआलालंपुर, 4.5 घंटे का सफ़र है एक्सप्रेस बसों में। और यहाँ से भी कुआलालंपुर से पिनांग अगर आप जा रहे हैं तो भी ये तकरीबन 4-4.5 घंटे का सफ़र है। ये है 7 नंबर बस 7 नंबर गेट, इस तरह से जैसे कि टर्मिनल होता है। आप देख ले क्या आपकी ये बस लगी हुई अभी से, सब इस तरह से बता रहा है जिस तरह से जहाज़ का नहीं होता, इस तरह से बता रहा है किस टाइम पे कौन सी बस जाएंगी यहाँ से। हमारी बस ये नहीं है, इसके बाद वाली है बस।